अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं मुल्तानी मिट्टी के दो फेस पैक लेकर आई हूँ, ऑयली स्किन वालों के लिए और ड्राई स्किन वालों के लिए। बहुत ही इजी है। ऑयली स्किन वालों के लिए हम बहुत ही इजी सिर्फ टू इंग्रेडिएंट्स के साथ फेस पैक बनाएंगे, जिसके लिए हमें सिर्फ रोज़ वाटर चाहिए होगा और मुल्तानी मिट्टी चाहिए होगी। ड्राई स्किन वालों के लिए तीन चीज़ें चाहिए होंगी, मुल्तानी मिट्टी, बादाम का पाउडर और कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क बनाना वैसे बहुत ही आसान है, जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो घर में भी कोकोनट मिल्क बना सकते हैं। आपने सिर्फ थोड़े से पानी में कोकोनट को ग्राइंड करना है अच्छी तरह, और उसके बाद आपने उसे कपड़े में डाल के अच्छी तरह निचोड़ लेना है, उसका सारा असर निकल आएगा आपका। इसके लिए आपको चाहिए पास होगा कोकोनट मिल्क। तो हम रेमेडी स्टार्ट करते हैं अपनी, जो डैमेज स्किन को, डल स्किन को ट्रीट करता है और स्किन के बहुत से प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है, पिंपल्स वगैरह को कंट्रोल करता है। कोकोनट मिल्क ऑयली स्किन वालों के लिए, एक्नी स्किन वालों के लिए एज अ क्लिंजर भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक्नी को रोकती हैं, और ये ड्राइनेस, इचनेस, स्वेलिंग और रेडनेस को बीट करके स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। 2 टेबलस्पून हमने इसमें लिए हैं कोकोनट मिल्क, और 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया है मुल्तानी मिट्टी, और 1 टीस्पून ही हमने इसमें ऐड किया है आमंड पाउडर। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और 2-3 मिनट के लिए हमने इसको रहने देना है, ताकि जो मुल्तानी मिट्टी है वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। जब मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल ही इसमें मिक्स हो जाएगी, फिर ये चेहरे पर अप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मुल्तानी मिट्टी स्किन को सॉफ्ट करने में मदद देता है, और ये नरिश भी करता है स्किन को, डीप क्लीन करता है, डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्पफुल है, स्किन को ग्लोइंग, सॉफ्ट और इवन टोन रखने में मदद देता है। इसीलिए ये हमारा एक तरह से एक्नी के लिए भी फेस पैक रेडी हो जाएगा। ये ड्राई स्किन वालों के लिए फेस पैक रेडी है। इसको हमने फेस पे अप्लाई करना है और 20 मिनट तक के लिए हमने इसको फेस पर लगा रहने देना है। फिर आपने इसको ठंडे पानी से वॉश करना है, या आपने टॉवल या कोई कपड़ा लेके इसको वाइप ऑफ कर लेना है। ऑयली स्किन वालों के लिए हमें चाहिए होगा 2 टीस्पून रोज़ वाटर, और उसमें हमने ऐड करना है 1.5 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी, और इसको हमने थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। जब मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, फिर हमने इसको फेस पर अप्लाई करना है। इसको भी हमने 20 से 25 मिनट तक लगा रहने देना है, क्योंकि ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं तो ये जल्दी ही ड्राई हो जाएगा। आप इस पे सेकंड कोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पतला सा है, इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की जो इसको थिक करे, तो इसलिए जल्दी ही ड्राई हो जाएगा ये। इस फेस पैक से हमारे स्किन पे एक ठंडक सी हमें फील होगी। ये डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करेगा, ब्लैक हेड, वाइट हेड से हमें छुटकारा देके स्किन को ऑयल फ्री और ग्लोइंग लुक देगा। आप इसको यूज़ करें और मुझे कमेंट में आके बताएं कि आपको इसका कोई बेनिफिट हुआ है या नहीं। मैं ऐसे ही आपके साथ मज़ीद रेमेडीज़ शेयर करूँगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ीद इजी रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।